हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल नागर पे। और गाइस, ये ब्लॉग स्पेशल होने वाला है आज हमारे फार्म से रिलेटेड, क्योंकि आज गेहूं की कटाई होने वाली है हमारे की। तो फाइनली बहुत टाइम बाद, यानी बहुत मौसम ख़राब था बीच में, तो नुकसान भी काफ़ी हुआ है। और कोई नहीं, जो ऊपर वाला देता है वो देगा, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं गाइस, 9 बज चुके हैं, मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी। ट्रैक्टर मेरा निकल चुका है घर से, तो उसको 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे पहुंचने में गाड़ी से। तो चलते हैं गाइज, आज का ब्लॉग स्पेशल है हमारे गेहूं की कटाई के लिए। तो फार्म पे चलते हैं सीधा, गेहूं कटवाते हैं। आई थिंक ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना गाइज बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइज चलते हैं, फिर गेहूं की कटाई करवाते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब पानी की बोतल भी मैंने साथ में ले लिया, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो शायद अभी लाइट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब गेहूं पक जाते हैं तो लाइट वहाँ कट जाती है, क्योंकि आग लगने का नुकसान हो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लाइट में स्पार्किंग हो जाती है तो आग लग जाती है, कई बार लग चुकी है। तो इन टाइमों पे वहाँ पे लाइन कट जाती है, और जैसे ही गेहूं कट जाएंगे उसके बाद लाइन वहाँ जुड़ जाएगी। तो चलो भाई चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खींचते हैं, चलो सीधा फार्म पे। सो गाइस, चल दिया सुबह सुबह घर से, और चलते हैं सीधा फार्म पे। और अभी आधा पौना घंटा लग जाएगा, पहले मुझे कुछ ग्रेटर वाला काम भी है तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी 12 पे। मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर चल रही है गाड़ी, देखो पीछे हम बिल्कुल 12 पे अपनी गाड़ी को ले आए, और बहुत ख़राब रास्ता था, बिल्कुल कच्चा रास्ता था, बट लेकिन फिर भी हम निकल निकाल के आ गए, और बीच में बहुत गड्ढे हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी गाड़ी निकाली, क्योंकि आपको पता है फुलैरो कहीं रुकती तो है नहीं। ठीक है गाइस, और अभी चलते हैं फिर। गाइस गाड़ी को यहीं खड़ी कर देते हैं, लॉक कर दिया मैंने, और अभी ट्रैक्टर चलते हैं, मैं आपको कंपाउंड दिखाता हूँ कहाँ पर है। गाइस ये देखो, गाइस एक कंपाउंड चल रही है, और वो येलो वाला ट्रैक्टर अपना है, और कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं। गाइज ये देखो, ये हाल है अपनी बुलेरो का, यहाँ पर रास्ते इतने ख़राब हैं कि ये हालत यहाँ पर हमेशा गाड़ी की हो ही जाती है। तो चलो गाइज चलते हैं फिर सीधा अपना ट्रैक्टर पे, देखते हैं करवाते हैं गेहूं को कटवाते हैं। गाइज अभी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंपाउंड किसी और के खेत में चल रही है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, तो हमारी फसल ये खड़ी गाइज थोड़ी सी कट गई है, क्योंकि रास्ता नहीं था तो हमारे में से कंपाउंड निकल के गई है, तो उसने काट दिया हमारा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गेहूँ उसने हमारी कम उसने ट्रॉली में डाल दिया है। तो अभी वेट कर रहे हैं गाइज, अभी आधा घंटा और लग जाएगा, अभी किसी और का कट रहा है, उसके बाद हमारा खेत ही खड़ा है बिल्कुल, उसके बाद उस हमारे में चलेगी। तो जब चलेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वेट करते हैं अभी थोड़ा सा और। तो आई होप आपको मज़ा आएगा, आज मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे कंपाउंड चलती है और कैसे गेहूँ कटता है, और जब ट्रॉली लगती है तो कितना थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर ही ड्राइवर होता है जो ट्रॉली ट्रैक्टर उसके कंपाउंड के नीचे लगाता है। तो चलो कोई नहीं गाइस, अभी वेट करते हैं, जब हमारा नंबर आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मेरे को एक ट्रैक्टर की और ट्रॉली की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली है, तो उसमें पूरा नहीं होगा। तो मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाई की 12 पे, उनके पास एक जॉनडियर ट्रैक्टर है, तो उनकी ट्रॉली भी है, तो उसे लेने मैं जा रहा हूँ गाइस। बिल्कुल बराबर में मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ही है मेरे। सो हम पहुँच चुके हैं भाई की 12 पे, और ये खड़ा सामने सोनाली का, और इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है फार्म, और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर कमरे बना रखे हैं, भाई यहीं पे रहते हैं हमेशा, मतलब घर कम रहते हैं यहीं पे ज़्यादा रहते हैं। तो गाइस ये ट्रॉली है, आराम से 30 कुंटल की आसपास इसमें गेहूं आ जाएगा। सो गाइस एंटर कर चुके हैं कंपाउंड अपने खेत में, और अभी हम मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ अपना, ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे, और विराज और अंशु और बिलाल भी यहीं पर हैं आगे हैं खेत में, और गाड़ी खड़ी है अपनी ये। तो गाइस चलते हैं ट्रैक्टर लेने, और फिर भरवाते हैं अपने गेहूँ को अपने ट्रैक्टर में। फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड, समझो गल, नो फार्मर नो फूड, समझो गल, नो फार्मर नो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट सारे लारिया के दावे मुंडो करे हुए आ, सरकारां दीयां नीतियां राजनीति रीतियां। मैं बैठा हूं कंपाउंड की ड्राइविंग सीट पर, और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मशीन में थोड़ी सी खराबी हो गई है, तो भाई अभी ठीक कर रहा है नीचे जाके।
तो जैसे ही ठीक होती है फिर दोबारा से चलाएंगे। और अभी खड़ी हुई है, थोड़ा बहुत गेम कटा हुआ है ट्रैक्टर अपना ये खड़ा, तो जैसे ही ठीक होती है दोबारा से स्टार्ट कर देंगे अपनी फिर से। गेहूँ अंदर जाता है और अंदर जाके अंदर आके इसका जो टैंक है मैं दिखाता हूँ आपको गाइज, ये है इसका टैंक अगर आपको दिख रहा है तो। इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 20 से 22 क्विंटल तक है, मतलब 20-22 क्विंटल गेहूँ इसमें आ जाता है एक बार में, और इसके द्वारा सीधा जाता है ट्रॉली में। तो गाइज चलते हैं नीचे और मशीन जैसे ठीक होती फिर से चलेगी। ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पर, बैठते हैं गाइज। अभी थोड़ा टाइम लगेगा टैंक को भरने में, तक टैंक भरेगा उसका हॉर्न बजेगा तभी जाके ट्रैक्टर लगा देंगे तुरंत। ये वाला खेत खत्म हो चुका है, मतलब ये वाला कट गया है, अब दूसरे वाले खेत में घुस गई है कंबाइन, आप देख सकते हो इस वाले में वहाँ बोरी वहाँ पे। तो इसको कटवाने के बाद दूसरा खेत उधर है उससे कटवाएंगे। तो अभी एक पॉकेट पूरा इसमें गिर चुका है, तो देन जैसे भी भरेगा इसका सायरन बजेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा कैसे गिरवाते हैं। तो अभी आधी ट्रॉली हो चुकी है, एक बार में दूसरे बारे में मतलब ट्रॉली फुल हो जाएगी। तो चल रही है अभी, चले दो कंबाइंड को, मज़ा आ रहा है, पूरा शाम हो जाएगी आज कटवाते। ये गेहूँ है और बहुत प्यारा और मोटा गेहूँ है, और अभी वेट कर रहे हैं कंबाइंड के टैंक भरने का। और गोली सॉरी विराज और अंशु रेडी पोजीशन पर बैठे हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए और मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, और जैसे ही टैंक भरेगा फिर दोबारा से डलवाते हैं एक टैंक। और बच्चे सिल्ला चुग रहे हैं गाइस, सिल्ला ये बोलते हैं जो नीचे गिर जाती है ना छोटे छोटे बाल, तो ये चुग रहे हैं। ये अपने कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम कर लेते हैं, मतलब सुबह शाम तक 1-2 किलो गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं और अपना टॉफी वॉफी खा लेते हैं। फाइनली लास्ट वाला खेत है, इसको कटने के बाद सीधा भी चलेंगे 12 पे जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही खेत है, और अंशु विराज पीछे खड़े हैं और रवि भी साथ में आ गया आज कटवाने के लिए खेत। तो गाइस चलते हैं फिर, कट गया ये, आपको पता ही है आज मतलब जो ये जो काम होता है बहुत हैक्टिक होता है। और गाइस आज सुबह 11 बजे का आया हुआ हूँ और अभी बज रहे हैं 4, तो मोस्टली 5-6 घंटे हो चुके हैं खेत में और पूरे बहुत बुरी गर्मी है बट लेकिन फिर भी। और कपड़े पूरे मैं आज गलती कर दी, ब्लैक पहन ही आया और जिसकी वजह से सारे कपड़े मेरे वाइट हो चुके हैं धूल में, जो मैं आपको कैमरे में नहीं दिख रही लेकिन बहुत ज़्यादा धूल चढ़ चुकी है। तो गाइज आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें मैंने आपको कोशिश करी है दिखाने की। और ये देखो कैसे हार्वेस्टिंग होती है। तो गाइज चल रहे हैं फिर इसको, ये लास्ट एक चक्कर और लगेगा उसके बाद सीधे 12 पे चल रहे हैं। दो ट्रॉली भर चुकी हैं, दोनों को एडजस्ट करके देखते हैं, अगर एक में काम हो जाएगा तो एक में कर लेंगे, अदरवाइज दोनों में कर लेंगे। बहुत साउंड होता है इसके अंदर गाइस, आपको देख रखे हो, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो फिर मिलते हैं आपको सीधा 12 पे, अभी आपको एक बार मैं दिखा दूंगा जब एक ट्रॉली में गेहूँ रीत आएगी, जब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पैकिंग करते हैं अपना, अभी तक आधा काम खत्म हो चुका है। तो एक ट्रैक्टर निकल चुका है उधर है और एक ट्रैक्टर अपना इधर खड़ा हुआ है, वो आपको ट्रॉल दिख रही है गाड़ी एरी, सामान रखते हैं गाड़ी में और चलते हैं जल्दी से जल्दी क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, तो अब शाम के टाइम कंपाइंड मिलेगी। तो अभी 2 घंटे में ट्रॉली हमें खाली करके वापस आना है, तो 2 घंटे में हमें ये ट्रॉली करके खाली वापस आना है गाइस। तो बाकी अभी एक खेत और है वो कटवाना है, वो बड़ा खेत है। तो चलो गाइस फिर चलते हैं, एक ट्रैक्टर मैं लेके चलूँगा, एक लड़का भी लेके निकल चुका है, उसके ट्रैक्टर में तेल नहीं है तो वो तेल भी डलवाना है रास्ते में। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे ब्लॉक को। चलो भाई तुम लोग गाड़ी लो। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे और बहुत थकान भरा दिन था आज का। और अब देखो आप गेहूँ खाली हो रहे हैं नीचे, बच्चे कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना गाइज बिल्कुल ज़रूर। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।